मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर एक ऐसा शहर है जहां जिंदा रहने पर अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा है, वहीं मरने के बाद अब कब्रिस्तान में भी दफन करने से मना किया जा रहा है। यानी जिंदा इंसान को भी परेशान किया जा रहा है और मरने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुंब्रा के शंकर मंदिर दुबे चाल में रहने वाले तनवीर शेख अपनी पत्नी अलमाज शेख को डिलीवरी के लिए कलवा शिवाजी अस्पताल में भर्ती किए थे, मगर डिलीवरी के बाद अलमाज शेख की मौत 17 मई को हो गई थी। हालांकि बच्चा सुरक्षित है। इस महिला के कोरोना जांच के लिए समय लग गया और जब इस महिला की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो 21 मई को पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। इस महिला को अमृत नगर दरगाह कब्रिस्तान में दफन करना था, क्योंकि इस महिला की मौत 3 से 4 दिन पहले हो चुकी थी, इसलिए दफन करना बहुत ज़रूरी था। मृतक महिला के पति तनवीर शेख ने बताया कि दरगाह कब्रिस्तान में जो ट्रस्ट है उन्हें पैसे भी दे दिए थे और हॉस्पिटल के सारे यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट उनके पास थे वो सब दे दिए थे, और यहाँ तक कि जो महिला की कोरोना रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव रिपोर्ट थी वो भी दे दिया गया था, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे। और रात में मैयत दफन करने के लिए करीब 9 बजे के आसपास बताया गया था, मगर जब मैयत कब्रिस्तान लाने की सारी तैयारी चल रही थी उसी वक्त जमीयत उल मुस्लिमीन जो ट्रस्ट है वहाँ से फ़ोन करके ये कहा जाता है कि आप दरगाह कब्रिस्तान में मैयत दफन नहीं कर सकते हैं, एमएम वली कब्रिस्तान ले जाए। ट्रस्ट की तरफ से ये कहा गया और तनवीर शेख ने जब इसकी वजह जानना चाहा तो कोई भी जवाब देने को राजी नहीं था। मौके पर काफ़ी भीड़ भी इकट्ठा हो गई। इस दौरान हमने भी ट्रस्ट से जानना चाहा कि आखिर वजह क्या है, क्यों नहीं मैयत दफन करने दे रहे हैं, मगर जवाब नहीं मिला। तनवीर शेख ने इस मामले पर क्या जानकारी दी है सुनिए। क्या नाम है आपका और आपकी वाइफ का क्या नाम था और कब आपकी वाइफ का डेथ हुआ? मेरा नाम तनवीर शेख है और मेरी वाइफ का नाम अलमाज तनवीर शेख है और 17 तारीख को उसकी डेट हुई है, 17 तारीख को 11:30 बजे। और मेरे को आज उस कोरोना की रिपोर्ट मिली, आज उसका पोस्टमार्टम हुआ और 6 बजे मैं इधर आया हूँ और इधर मैंने पैसे भरा, बाकायदा सब कुछ जमा करा, सब कुछ जमा करा मैंने, मेरे को कफन वगैरह दिए, जनाजा भी यहाँ से लेके गया, जनाजा तैयार हो गया। अब 9:15 बजे बोलते हैं डायरेक्ट यहाँ जनाजा मत लाओ, अब रीज़न नहीं बता रहे। बोले नईम भाई से बात करो, नईम भाई के दरवाजे पे जा रहा, नईम भाई बोलते सीधा जा चल निकल, बोले उधर जा एमएम गली जा। मैं बोला सर मेरे पेपर देखो, मैं यहाँ का रहवासी, मेरा राशन कार्ड है, आधार कार्ड है और मैं बाकायदा सब डॉक्यूमेंट है मेरे पास, फिर भी मेरे को नईम भाई पेपर देखने को तैयार नहीं, मेरे को आकर चले एमएम गली जा बोलते। आपकी और 17 तारीख को डेथ हुई थी, पोस्टमार्टम उनका कब हुआ? पोस्टमार्टम आज ही हुआ कोरोना की रिपोर्ट आने के बाद, कोरोना की रिपोर्ट आने, हाँ रिपोर्ट आने के बाद। कॉज ऑफ डेथ क्या थी? नेगेटिव आई, निगेटिव आई, निगेटिव आई। तो फिर यहाँ पर आपको कोई रीजन भी नहीं? रीजन नहीं बता रहे, नईम भाई ऑर्डर देंगे तो हम दफनाएंगे, नहीं तो नहीं दफनाएंगे, पास होगा नहीं तो नहीं होगा। नईम भाई से जाओगे मिलो, नईम भाई से ऑर्डर लो, नईम भाई हुक्म करेंगे तो हम दफनाएंगे, नहीं तो नहीं दफनाएंगे ये बोल रहे लोग। मैं बोला हमारे नगर सेवक है, हम उनको वोट देते, मैं शानू भाई से बात करता हूँ, तो बोले शानू भाई को बुलाएंगे ना तो तुम्हारा जनाजा जो हो रहा है ना वो भी काम नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम। किसने बोला था ये? सादिक भाई अंदर ऑफिस में, जो ऑफिस में बैठे, हाँ उल्टा सीधा बोल रहे हैं। वाइफ को जो है क्या चीज़ की तकलीफ थी, बीमारी क्या? नहीं मेरी डिलीवरी हुई थी मेरी वाइफ की और 2 दिन के बाद पॉइजन या कुछ होता ना डिलीवरी में प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेट हो गई 2 दिन बाद। यानी कि कहीं ना कहीं अब मुंब्रा शहर में जिस तरह से हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है उसी तरह का मामला अब कब्रिस्तान में भी सामने आ रहा है कि दफन करने से रोका जा रहा है। मगर काफ़ी दबाव के बाद तनवीर शेख को उनकी पत्नी अलमास की मैयत दफन करने के लिए दरगाह कब्रिस्तान में ट्रस्ट ने इजाज़त दी और मैयत को दफन भी किया गया, मगर सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर ट्रस्ट ने मैयत को दफन करने से आखिर क्यों रोका था। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।